सो हेलो गाइस, आज की ये हॉरर स्टोरी है आयुष की, जो मेरा एक सब्सक्राइबर है। जब वो 14 साल का था तब वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था आर्मी क्वार्टर्स में। जब वो अपने कमर में सो रहा था तो उसको अचानक डरावना सपना आया। बच्चा था तो गाल फट गई, तो जाके अपने मम्मी पापा के बीच में जाके सो गया। तो जैसे ही वो सोया उसको अचानक से रात को 1:30 बजे के आसपास नींद खुली पानी की प्यास के कारण, तो वो उठा। बाय द वे उसके रूम का स्ट्रक्चर ऐसा था कि जो बेड था वहाँ से एक जो खिड़की थी लेफ्ट साइड में वहाँ से वो हवा आती रहती है, इसलिए खोल रखी थी उन्होंने। बेड और खिड़की के बीच में इतना सा गैप था कि एक इंसान जा सके। वो उठ के वहाँ से जाने लगा पानी पीने। जैसे उसने खिड़की के बाहर देखा, उनका गार्डन था खुद का, गार्डन में एक झूला था। वहाँ पर जैसे उसने देखा 10 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गया। उसको लिटरली झूले के ऊपर ब्लैक शैडो परछाई होती है ना, उसकी लाल लाल आंखें थी, आंखें एकदम क्लियर दिख रही थी लेकिन परछाई थी। एंड देन जैसे वो फ्रीज से हटा और जोर से कूद के पापा के ऊपर कूद गया अपने, और पापा को जोर से चिल्लाया, बाबा बाबा बाहर को यह देखो जाके। पापा उठे तो कोई नहीं दिखा, ऑब्वियसली उन्होंने बोला भाई बच्चा है, डर गया होगा, कोई बात नहीं। जैसे 2 मिनट हुई बातचीत करके, इतने में उनके घर के आगे की जो स्ट्रीट लाइट थी जस्ट आगे की, वो अचानक से बंद हो गई। स्ट्रेंज बात ये थी कि पूरी सोसाइटी जो थी उनकी सबकी लाइट आई थी सबके घर के आगे की। 2-3 दिन तक बीमार रहा अपना आयुष भाई, मुझे समझ नहीं आता भूत दिख जाता है उसके बाद 2-3 दिन बीमार क्यों रहते हैं लोग।